आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं होटल रेस्टोरेंट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा फेमस चिली पैटेटो, जो कि बच्चों को बेहद ज़्यादा पसंद आता है। ये बहुत ही क्रिस्पी होगा, बहुत ही टेस्टी होगा दोस्तों, और इसको आप एक बार घर में बना लेंगे ना तो बाहर होटल या रेस्टोरेंट में चिली पैटेटो खाना ज़रूर भूल जाएंगे, इसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आशा स्पेशल किचन में। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसानी से बनाए जाने वाले चिली पटेटो बनाना बताएंगे। चलिए देखिए, इसे बनाने के लिए ये हमने सबसे पहले तो लिए हैं आलू। अब देखिए दोस्तों, ये हमने आलू लिए हैं और ये वेट में 700 ग्राम आलू हैं दोस्तों, एक किलो ये पूरा नहीं है। और इसको देखिए, हमने फिंगर फ्राइज, जैसे कि हम फिंगर चिप्स खाते हैं ना, उस साइज में हमने इन आलू को काट लिया और पानी में रख लिया। और पानी में दोस्तों हम पहले इसे 2-3 बार धो चुके हैं, उसके बाद हमने ये चौथी बार पानी में रखा। अब इसमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं रह गया जो आलू के अंदर रहता है, इससे क्या होता है ना, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम एक छन्नी ले लेते हैं और इस छन्नी में जो हमने ये फिंगर्स काट के रखे हैं ना आलू के, इनको हम इसमें छान लेते हैं। सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों आप जब कभी भी रेस्टोरेंट या होटल में आप चिली पटेटोस खाने जाते हैं दोस्तों, तो ये बहुत महंगा पड़ता है बाहर, जबकि दोस्तों आप इसे घर में बनाएंगे ना तो एक तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा दोस्तों। अब दोस्तों जितने भी आलू थे ना इस छन्नी में, हमने सारे आलुओं को निकाल लिया है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा दोस्तों, वो सारा बाहर निकल के आ जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, ये पानी सारा इसका निकल जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, तो पानी निकल गया। अब हमने एक पॉट में सारे जो पटेटोस जो हमने आपको दिखाए थे वो सारे इसमें डाल दिए। अब इसमें दोस्तों ये कॉर्नफ्लावर दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया। आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो, आपके पास अरारोट हो तो आप अरारोट डाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो घर में नॉर्मल चम्मच होती है ना, उस चम्मच से मैं इसमें 4 चम्मच आपको ये कॉर्नफ्लावर डाल के दिखा रही हूँ दोस्तों। अगर आपको कोटिंग कम लग रही हो तो आप 4 की जगह 5 या 6 चम्मच भी कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। और दोस्तों कॉर्नफ्लावर डालने के बाद दोस्तों इसे हमें अच्छे से सारे आलू में मिक्स कर लेना है, कोई भी आलू ऐसा ना हो जिसमें कॉर्नफ्लावर ना लगा हो दोस्तों। अच्छे से ये सारा मिक्स हो जाना चाहिए, एक एक आलू में हमारा जो कॉर्नफ्लावर है ये चिपक जाना चाहिए, उससे ही ये हमारे कुरकुरे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रेडी होंगे। अब दोस्तों देखिए, इसे हम धीरे धीरे करके सारे मिक्स कर चुके हैं आलू में। और देखिए दोस्तों, हमने एक तरफ कढ़ाई में ये तेल डाल लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया। ये हमने रिफाइंड ऑयल डाला है दोस्तों, अब ये गर्म भी हो गया। अब दोस्तों इसमें जो हमने फिंगर्स रेडी करे हैं ना कॉर्न स्टार्च डाल के, उस फिंगर्स को हम एक बार में जितने आते हैं हमारे ऑयल में उतने हम डाल देंगे दोस्तों। और गैस की फ्लेम हमें दोस्तों मीडियम रखनी है, बहुत हाई या लो नहीं रखनी है दोस्तों। और इसे शुरू में तो हम नहीं चलाएंगे, जब ये थोड़े से तल जाएं फिर इसके बाद हम उलट पुलट के अच्छे से इनको क्रिस्पी कर लेंगे दोस्तों। हम इन्हें तलने के बाद ही चिली पटेटो बना लेंगे। अगर दोस्तों आपको चिली पटेटो तुरंत ना बनाने हो तो आप इस तरह से फिंगर्स को फ्राई करके, हाफ फ्राई करके रख सकते हैं, और जब आपको चिली पटेटोज रेडी करना हो तब आप इसको दोबारा से फ्राई कर सकते हैं और क्रिस्पी कर सकते हैं और तब आप बना सकते हैं। दोस्तों सुनी ना आपने इन पटेटो फिंगर्स की कितनी क्रिस्पी आवाज़ आ रही थी दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी ये फिंगर्स हमारे बनके रेडी हो गए। और दोस्तों सारे जो पटेटो फिंगर्स हैं हमारे, हमने 2 बैचेस में तल के सारे रेडी कर लिए हैं। दोस्तों हमने सारे पटेटो फिंगर्स तल के रेडी कर लिया, इसे हमने एक प्लेट में सारे रेडी करके रख लिए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, मैं एक घोल बनाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है दोस्तों, इसमें मैं 5-6 चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। एक हम ये लिक्विड बना के रख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर है। दोस्तों अब दोबारा से हमने गैस की फ्लेम पे कढ़ाई को रख लिया, इसमें हमने ये 1/2 चम्मच से 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर लिया, इसे गरम हो जाने देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये गरम भी हो गया। इसमें हम सबसे पहले दोस्तों ये लहसुन का पेस्ट हमने बनाया उसे ऐड कर लेते हैं। ये 6-7 कलियाँ लहसुन की, इसका हमने पेस्ट बना लिया है दरदरा सा, उसको इसमें ऐड कर लिया, हल्का सा इसे भून लेते हैं। अब इसमें हम दोस्तों दूसरी चीज़ डालने जा रहे हैं, ये अदरक। अदरक को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है दोस्तों,
और इसको भी इसमें डालने के बाद हल्का सा भून लिया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों हम डालेंगे ये मिर्च, ये हमने हरी मिर्च लंबी लंबी काट ली है, आप चाहे तो छोटी छोटी भी काट के डाल सकते हैं। ये लंबी लंबी हमने मिर्च काट ली है, दो टुकड़े कर लिए हैं मिर्च के। और इसमें हम दोस्तों ये दो मीडियम साइज के प्याज के हमने बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं, उसको भी इसमें ऐड कर लिया हमने दोस्तों। और दोस्तों हमें जो ये सब्ज़ी हम डाल रहे हैं इसे हमें क्रंची रखना है, हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है दोस्तों। एक शिमला मिर्च मैंने इसके भी लंबे लंबे बारीक बारीक पीस काट लिए, उसको भी इसी वक्त इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ। तो हमने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा और इन सब्जियों को हमने दोस्तों हल्का सा क्रंची रखा है। और इस वक्त अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस। तो ये सोया सॉस मैंने इसमें आधा चम्मच डाल लिया है दोस्तों। सोया सॉस तो अब हमने डाल लिया, इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें विनेगर। तो दोस्तों देखिए मैंने एक चम्मच इसमें विनेगर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है दोस्तों। अब विनेगर डालने के बाद दोस्तों ये डेढ़ चम्मच मैंने इसमें टमाटो सॉस भी ऐड कर लिया है। देखिए दोस्तों इसके बाद मैं इसमें सेजवान सॉस ऐड कर रही हूँ, ये मैंने डेढ़ चम्मच डाल लिया दोस्तों। आप इसकी जगह रेड चिली सॉस डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया दोस्तों। सेजवान सॉस हम जब डालते हैं ना दोस्तों चिली पोटैटोज में तो बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है चिली पोटैटोज का। दोस्तों इसमें हमने देखिए रेड चिली पाउडर डाल लिया, ये मैंने आधा चम्मच डाला है दोस्तों। आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी आधा चम्मच डाल सकते हैं दोस्तों। हमने दोस्तों इसमें मिर्च तो डाली ही है पहले से ही, क्योंकि हमने ये चिली पोटैटोस बनाना है तो चिलीज तो हमें डालनी पड़ेगी, लेकिन इतनी कि जितनी हम खा सकें। अब दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड करा है, रेड कलर मैंने दोस्तों इसमें दो चुटकी डाल लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर बढ़िया सा आ जाएगा ना तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल जैसा ये हमारा चिली पोटैटो दिखाई भी देगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, 5-6 चम्मच, जिससे कि रेड सॉस पूरी तरह से बन सके दोस्तों। अब इसमें दोस्तों हमने जो हमने एक घोल बना के रेडी करा था ना कॉर्नफ्लावर का और पानी का, वो वाला घोल हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, तभी तो इसमें एक गाढ़ापन आता है। दोस्तों इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, थोड़ा सा लिक्विड रहना चाहिए ये। और देखिए दोस्तों जब हमने कॉर्नफ्लावर का इसमें पानी डाला है तभी इसमें ग्लेस आता है बढ़िया सा, रेस्टोरेंट जैसा हम चिली पोटैटो खाते हैं ना तो एक ग्लेस होता है उसमें, वो ग्लेस हम जब डालेंगे ना कॉर्नफ्लावर वाला पानी तभी आएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमने जो ये पोटैटो फिंगर्स डाल दिए हैं इसमें और अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको डालने के बाद। लीजिए दोस्तों तो रेडी है हमारे चिली पोटैटोस। दोस्तों आप किसी रेस्टोरेंट या होटल से कम दिखाई दे रहे हैं ये चिली पोटैटोस? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खड़े हैं और चिली पोटैटोस बनाए जा रहे हैं, इतनी बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है। चलिए अब इसे सर्व भी कर लेते हैं दोस्तों। तो आप बनाएंगे ना ज़रूर दोस्तों? ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी दोस्तों। एक बार घर में आप बना के खाइए, आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी आपको दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे आने वाले अगले वीडियो में।